चलो ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अभी हमने किया पार वाला, अब हम केस करेंगे प्रीमियम वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केस प्रीमियम वाला। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी लिमिटेड 1000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एंड 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एज अ प्रीमियम। यानी मुझे अलॉटमेंट में यहाँ पर देखो टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 12। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जबकि मेरे शेयर कितने के हैं, 10 रुपए के। यानी 2 रुपए मेरे लिए क्या हो रहा है, प्रीमियम एज अ फायदा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पर, प्लस 2। 5 में से 2 प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू आई, 3 रुपए आ गई। तो टोटल कितना हो गया मेरा, अब ये 10+2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, 10+2 यानी 10 रुपए हो गए शेयर कैपिटल में और 2 रुपए हो गए मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में। चलो जी एंट्री बनाते हैं। मैं कुछ एंट्री यहां बनाऊंगा, कुछ यहां बनाऊंगा, इससे ये होगा कि भैया क्वेश्चन में साफ दिखाई देगा। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, वो हमने पहले जैसी बन गई बिल्कुल सेम। तो एंट्री क्या बनेगी, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। में थोड़ा शॉर्ट में लिखना, आप तो पूरा लिखिएगा नहीं तो आपका नंबर भी बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। चलो जी, तो कितना 1000 रुपए का 2 रुपए के हिसाब से 2000 कितना हो गया भैया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको, 10000 कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी तो बेटी बाप के घर है, यानी हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा अच्छा सा लगेगा ना 10000, नहीं तो लगेगा सर को कैलकुलेशन नहीं आ रही, 10 लेंगे बड़ी अमाउंट लेंगे। चलो जी कर दिया मैंने, इसको हो जाएगा अब ये 10 × 2 20,000 और ये भी कितना हो गया 20,000। पहली एंट्री होगी हमारी इसकी, ये थी रिसीव की, अब उसका जो हमारी एप्लीकेशन आई थी, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा इसकी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वही सेम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अब तो सेम ही अमाउंट आएगी हमारी 20,000 और ये 20,000। सेकंड एंट्री में यहां बना लेता हूं, कोई डाउट नहीं हो तो अगर आपको। अब मैं बनाऊंगा अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट में मेरे को साफ बोला गया है कि भाई अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे 2 रुपए प्रीमियम भी रिसीव हुआ है, तो मुझे प्रीमियम को भी रिसीव करना है। सबसे पहले एंट्री बनाऊंगा मैं ड्यू की एंट्री, तो ड्यू में क्या लिखेंगे हम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए मैं SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम को यही शो करूं या अगली में शो करूं, यही शो क्यों, एक बच्चा बताए कोई, हाँ कोई रेज़ द हैंड, हाँ बोलो, ऐसा क्यों, नहीं प्रीमियम को यहाँ शो करने की क्या जरूरत है, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग सर, हाँ बोलिए, बिल्कुल सही भाई। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस एंट्री को ड्यू की एंट्री बोला जाता है, ड्यू मतलब पैसा मांगना। तो मैं उसको बोलूंगा शेयर होल्डर को, ऐसा कंपनी एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर के नाते मैं उसको बोलूंगा, भाई अलॉटमेंट में तूने केवल अलॉटमेंट नहीं प्रीमियम का पैसा भी देना है, तो उसको बोला जाएगा तभी तो देगा, नहीं तो ओ मेरे दिमाग से निकल गया, मतलब भूल गया सॉरी मैं अगली बार दे दूंगा, और वो अगली बार कभी नहीं आता। कभी अपने अपने दोस्त को पैसे दे दो आप उधार, वो कहेगा तेरा भाई ये मैं दूंगा पैसा, और वो भाई कभी नहीं देगा पैसा, क्योंकि हर एक दोस्त आप समझ जाओ क्या होता है, मैं नहीं बोलना चाह रहा। चलिए तो भैया अब सवाल ये उठता है, हम बुक बना रहे हैं एबीसी लिमिटेड की, बात को समझेगा, हम बुक बना रहे हैं एबीसी लिमिटेड की, लिखेगा बातें पहले समझ लो, तो बुक बना रहे एबीसी लिमिटेड की, तो एबीसी के लिए जो प्रीमियम है वो रिवेन्यू के हिसाब से लॉस है एक्सपेंस है या प्रॉफिट है या गेन है, मतलब खर्चा है या आमदनी है, सीधी बात, इनकम है सर, इनकम है प्रॉफिट है, मान लेते हैं। तो इनकम और प्रॉफिट को नॉमिनल के रूल के हिसाब से क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट करते हैं। तो सर हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा, पूरा लिखेंगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्लियर मामला सर। यहाँ पर कितने रुपए, 2 रुपए, यहाँ पर कितने रुपए, 3, क्योंकि साफ दे रखा है सिक्योरिटी में 2 रुपए और शेयर कैपिटल में 3। कितने शेयर है बच्चे, 10,000, कितने शेयर है बेटा, 10,000। तो यहाँ टोटल आ गया मेरा 20,000 और यहाँ आ गया मेरा 30, और टोटल मांग लिया हमने 50। ठीक है जी, और पैसा आ भी गया, तो हमने एंट्री बनाई
बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पर मुझे प्रीमियम को शो करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा आंख बंद करके टोटल 50,000 यहां डाल दूंगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर मामला, कोई डाउट नहीं? तो लास्ट एंट्री भी कर लेते हैं फटाफट इसको। चलो जी, लास्ट एंट्री में क्या कहता है, ये थी मेरी सेकंड और ये है मेरी थर्ड, ये है मेरी थर्ड, ये साफ आ रहा बेटा स्क्रीन पे देखना, साफ आ रहा? हाँ बिल्कुल सही आ रहा, तो देख लेते हैं। तो पहले ड्यू की एंट्री बनाते हैं हम, तो ड्यू की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना बेटा 5 रुपए सीधा, 10,000 का इंटू 5, तो कितना आ गया बच्चे 50,000। अब ये तो था ड्यू की, अब यहां पर करते हैं इसकी हम रिसीव की, तो रिसीव की एंट्री क्या बनेगी, हमको पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी, तो वो कितना आ गया बच्चे मेरा 50। थोड़ा राइटिंग यहाँ खराब सी आ गई है, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझसे ही बोल रहा हूँ मैं, ये बना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,050। आई होप आपको पार वाला भी समझ में आ गया होगा और प्रीमियम वाला भी समझ में आ गया होगा। अब आप कह रहे सर एक तो क्वेश्चन और करा दो जिसमें एरियर भी आ जाए और आपका एडवांस भी आ जाए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे को 3-4 दिन का गैप रहा था, क्यूरियोसिटी ज्यादा रही होगी सीखने की, तो आज पूरी करते हैं। तो ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, जैसे आपने कहा हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन को, जहां पढ़ेंगे खुद समझ में आएगा क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड 10,000 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, यहाँ थोड़ा सा और हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने प्रीमियम का केस, अगर चाहिए तो बता देंगे बाद में, नहीं तो फिलहाल हटा देते हैं। मैं चाह रहा हूँ प्रीमियम इतना नॉलेज आप जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखे करें। एप्लीकेशन में 2 रुपए मांगे, अच्छा जी 5 अलॉटमेंट मांग दिए तो ज्यादा होगा मामला, इसको 3 पढ़ सकता हूँ, ठीक है जी, तो भैया पूरे 10 रुपए हो गए हमारे। अब यहाँ पर सोचने वाली बातें बड़ा अच्छा कह रहेगा, अब मैं सर लिख के दे रहा हूँ प्रो राटा के केस में, ये जो होल्डिंग वाले होते हैं ना बंदे, ये पक्का आते हैं, मतलब एक बंदे पे, यहाँ तो मैं एक बंदा दिखा रहा हूँ, अभी 2 बंदे भी आ सकते हैं, किसी के पास 100 शेयर थे, किसी के पास 200 शेयर थे, उसने वो दे दी, यानी फर्स्ट कॉल दे दी, सेकंड नहीं दी, सेकंड दे दी, वो नहीं दी, ऐसे मतलब कई केस बनेंगे, जब हम प्रो डाटा करेंगे तब डिटेल में जाएंगे। तो क्या कहता है, ऑल शेयर वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी सारे शेयर आ गए, सारे शेयरों का पैसा आ गया, पर एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, उसका पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं आया, यानी 500 शेयर का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल में नहीं आया, यानी कितने पैसे नहीं आए मेरे पास, 1500 रुपए नहीं आए, ठीक है ये बात है। तो चलो एंट्रीज बनाते हैं, समझ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप इसकी एंट्री बना लोगे, अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, या बनाऊं मैं बता, मुंह से बताता हूं, पहले एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 × 10 = 20,000, और दूसरी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो भी 20,000 और 20,000। अब आते हैं अलॉटमेंट की, आप कह रहे हो सर बस अलॉटमेंट की हम खुद बना लेंगे, मैंने कहा ठीक है भैया अलॉटमेंट की भी खुद बना लो, पहले बनेगी ड्यू की एंट्री और दूसरी बनेगी आपकी रिसीव की। अब आपने कहा सर ये तो हमसे ना हो पाएगा, मैंने कोई बात नहीं मैं किस लिया भैया मैं बनाऊंगा उसको, तो चलो जी ये जो मेन एंट्री ये बनाते हैं। तो पहले हम शेयर होल्डर से पैसा मांग लें, यहाँ बनाते थोड़ा सा ऊपर है ना भाई, थोड़ा सा बच्चों को दिखाई देंगे, ज्यादा नीचे में ना ऐसा है ना बेटा बेकार है कमर वमर मोड़ना ज्यादा। चलिए तो फर्स्ट कॉल की एंट्री बना रहे हैं हम पैसा मांगने की, तो मैं तो पूरा पैसा मांग रहा हूँ, मुझे क्या पता कोई 500 बंदा शेयर नहीं दे रहा, तो मैंने पूरा पैसा मांगा, तो मैं एंट्री बनाऊंगा बच्चे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने कितना मांगा 10,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से, मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास पूरा 30,000 आना चाहिए, शेयर होल्डर से 30,000 आना चाहिए, पर एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, वो इसका पैसा नहीं दे पाया, भाई मजबूरी हो सकती है या कोई भी कारण हो सकता है, मुझसे मतलब नहीं, फाइनेंस तो अपने रिकॉर्ड में करना है। चले जी तो मेरे पास पैसा आया तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा जी मुझे ये बताइए कि अगर आप कंपनी है एबीसी लिमिटेड और आपके पास 500 शेयर का पैसा 3 रुपए के हिसाब से, यानी 1500 का पैसा नहीं आया, तो ये फायदा है नुकसान है,
नुकसान है ऑब्वियस है, और लॉस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारा रूल कहता है डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो भैया इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियस, वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। एक लाइन माना चाहिए, ठीक है। कितने शेयर का बच्चे, 3 रुपए के हिसाब से 500 शेयर का, मेरे भाई 3 रुपए के हिसाब से 500। मेरे पास टोटल कितना पैसा आना चाहिए था, 3 रुपए के हिसाब से 10, 30,000। कितना आना चाहिए था, 30,000। और किससे आएगा, 2 इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है बच्चे। अब मेरे पास 1500 पैसा नहीं आया, थोड़ा सा मैं स्लाइड को सही करता था, हाँ मेरे पास 1500 रुपए नहीं आए, तो आए कितने, 30,000 माइनस 1500 कितना हुआ, 28,500। ये पैसा मेरे पास आ गया, एंट्री भर गई मेरी कॉल्स इन एरियर। अब मुझे पता आप एडवांस कभी करवाओगे, आप चाह रहे हैं एडवांस कभी करें, तो ठीक है मेरा क्या करते हैं एडवांस भी, तो ठीक है। जैसे आपने मुझसे कहा कि सर पहले पार कराओ, हमने करा दिया पार, मतलब नदी पार नहीं, पार का क्वेश्चन। दूसरा हमने प्रीमियम करा दिया, प्रीमियम मतलब फायदा। तीसरा हमने एरियर करा दिया, एरियर मतलब कि पैसा नहीं आया। अब कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं, जैसे बहुत कम बच्चे होते हैं इंस्टीट्यूट में, तो ऐसे बच्चे मैं अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। जरा भाई एक बार जरा ऑनलाइन बनना ऑफ कर ले, बच्चे ऑफ हो गए, आप इसको जरा होल्ड करिए। तो ठीक है, तो आपने जैसे हमसे कहा कि सर पहले पार करा दो, नदी पार नहीं क्वेश्चन का पार, फिर प्रीमियम, प्रीमियम मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपका, फिर डिस्काउंट को हमने करने की जरूरत ही नहीं है, हम पार का क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रीमियम का क्वेश्चन कर चुके हैं, एरियर का जिसमें हमें नुकसान हुआ, अब हम कर रहे हैं एडवांस। एडवांस यानी फायदा। देखिए मैं आपको उसको दूसरे वे में समझाता हूँ, जिस वे में आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो ऐसा होता है, हर स्कूल हर इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि उसके पास ऐसे स्टूडेंट्स हो जो फीस एडवांस दे। अगर ऐसा चाह रहा है तो गलत थोड़ी चाह रहा है, वो बात अलग है। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि भैया इंस्टीट्यूट एडवांस पैसा मांग रहा है, पर आप नहीं समझ रहे, आप इग्नोर मार देते हैं हर बात, हाँ हाँ हाँ, पर वो हाँ कभी नहीं होता है। चलो कोई नहीं, देखो उम्मीद पे दुनिया टिकी है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। तो कंपनी को अच्छा लगता है उसके पास ऐसे शेयर होल्डर हो जो पैसा एडवांस में दे, और एडवांस में देने वालों को फायदा मिलता है, ठीक है जी, उनको इंटरेस्ट रेट दूसरा होता है। चलिए तो क्या है, क्वेश्चन को देखें, ऊपर तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, नीचे कहता है ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, एक शेयर होल्डर जो भगवान है उसने 1000 शेयर का पैसा फाइनल कॉल के साथ, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही पे कर दिया, यानी 3 महीने या 4 महीने पहले एडवांस में पे कर दिया। बहुत अच्छे, ऐसे व्यक्ति कंपनी को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। आप समझना चाहिए कि अगर कंपनी को ऐसे शेयर होल्डर पसंद आ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट्स को ऐसे बच्चे कैसे पसंद आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए आप कह रहे हैं सर ये दोनों एंट्री हम खुद बनाएंगे, आप हमें सिखा चुके हैं, मैंने कहा ठीक है। आप कह रहे हैं सर खबरदार जो आपने ये दो भी बनाई, तो ये भी हम खुद बनाएंगे, मैंने कहा ठीक है भैया, अगर तुम सीख चुके हो तो बहुत अच्छी बात, पर मैं यहां रोकूंगा ना बेटा, ज्यादा तेज नहीं दौड़ना, इसको तो मैं बनाऊंगा, इसको मैं बनाऊंगा। चलो जी, तो मैं यहां इसको बनाना शुरू करता हूं। फर्स्ट कॉल यहां दिख रहा है भाई आपको, फर्स्ट कॉल यानी कि थर्ड एंट्री। चलो जी, तो एंट्री पहले बनेगी ड्यू की, ड्यू मतलब पैसा मांगना, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, अब तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको मिटा दिया जाए ताकि आपको एंट्री साफ दिखाई दे, ठीक है जी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा भैया, 3 रुपए का, 3 रुपए का पैसा कितने से हिसाब से, 10,000। तो कितना पैसा आना चाहिए मेरे पास, 30,000 आना चाहिए, पर जब मेरे को पैसा रिसीव हुआ तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट। अब मेरे को जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिला अलोंग विद, देखो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना आएगा, कितना आना है फर्स्ट कॉल का, 30,000 आना है, पर एक बंदा है जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने 2 रुपए के हिसाब से मुझे पैसा दे दिया, किसका, सेकंड कॉल का। तो भैया 1000 × 2 कितने पैसे आ गए मेरे पास,
2000 क्या आ गए मेरे पास एडवांस, तो टोटल मेरे पे फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना पैसा आया 32, तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा बेटा 32,000। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मेरे पास 1000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से क्या हुआ पैसा एडवांस आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एडवांस, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 इक्विटी शेयर, क्या था फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ पर भी कितना आएगा मेरा बेटा 30,000 आएगा। तो ये 2000 जो आए मेरे पास ये कैसे आए 2 into 1000, यहाँ लिखेंगे 2 calls in advance। एडवांस हमारा फायदा है यानी इनकम है, तो उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ गई बच्चे, तो ये भी मिटाता हूं मैं यहाँ पर, ये मिटाते हैं नहीं रहने देते, क्वेश्चन को रहने देते हैं, अगले एंट्री यहाँ करते हैं। चलो जी, तो फर्स्ट कॉल का मैंने 30,000 रुपए मांगा पर मेरे पास 32 आ गया, क्यों? क्योंकि 2000 रुपए मेरे पास किसके आए सेकंड कॉल के। चलो जी बहुत अच्छा लगा, अब सेकंड कॉल का पैसा मांगते हैं। सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मांगूंगा 2 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर का, 2 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर का टोटल पैसा आना चाहिए मेरे पास 20। चलो जी, तो 20 पैसा आना चाहिए मेरे पास, तो यहां लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना आएगा बेटा पूरा 20, पर आप ध्यान दे 2000 आपके एडवांस आ चुका है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बेटा 20 माइनस 2000, तो टोटल पैसा कितना होगा 18,000, पर यहां पर 2000 की शॉर्टेज है क्योंकि हमको पता है डेबिट और क्रेडिट दोनों को बराबर करना है, तो यहां पर लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। यहां आपका क्वेश्चन पूरा फिनिश हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, पार प्रीमियम एरियर और एडवांस। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।